मैं अभी स्विट्जरलैंड गया था, ऑस्ट्रिया गया था, वहाँ बाहर निकलने के बाद हवा लेता था तो ऐसा लगता था कि मैं रसगुल्ला गुलाब जाम खा रहा हूँ, और यहाँ रहते तो आए दिल्ली में जाते 3 दिन में इन्फेक्शन हो जाता है। पेट्रोल डीजल के कारण प्रदूषण होता है, इथेनॉल के कारण प्रदूषण नहीं होता है। ये किसानों का ग्रीन फ्यूएल है और इसके साथ गाड़ियाँ तो चलेगी। मैं एक ही बताता हूँ, आपका फायदा होगा। आप 120 रुपये जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपये लीटर करेंगे। नंबर इम्पोर्ट करते हैं करीब 30 लाख टन, अब उसके बजाय रबर पाउडर डाल के उसका उपयोग करेंगे। डांबर भी सस्ता होगा, 50 रुपये किलो डांबर है, 30 रुपये किलो रबर की पाउडर है, तो निश्चित रूप से 20 रुपये की बचत होगी और रास्ते की क्वालिटी भी सुधरेगी। और गन्ने के भाव से अगर हमने बाम्बू खरीदे, हमने वैसे मशीन डेवलप किए हैं कि हम बाम्बू का 3 mm से 20 mm तक के टुकड़े तैयार करेंगे, 18 mm तक, और वो बॉयलर में डालेंगे तो हमारे देश को ये 16 लाख करोड़ का कोल इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। का वणी से वरोड़ा यहाँ क्रैश बैरियर तैयार किया है लोहे के बजाय, और अब मैं देश में उसका प्रचार कर रहा हूँ कि एक्सप्रेस हाईवे पे हमारे किसानों के बाम्बू का क्रैश बैरियर लगेगा। मैं अभी स्विट्जरलैंड गया था, ऑस्ट्रिया गया था, वहाँ बाहर निकलने के बाद हवा लेता था तो ऐसा लगता था कि मैं रसगुल्ला गुलाब जाम खा रहा हूँ, और यहाँ रहते तो आए दिल्ली में जाते 3 दिन में इन्फेक्शन हो जाता है। हमारी नई जनरेशन का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और जो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है इसमें सबसे पहली बात है कि हमको प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार करना है। पेट्रोल डीजल के कारण प्रदूषण होता है, इथेनॉल के कारण प्रदूषण नहीं होता है। ये किसानों का ग्रीन फ्यूएल है और इसके साथ गाड़ियाँ तो चलेगी। मैं एक ही बताता हूँ, आपका फायदा होगा। आप 120 रुपये जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपये लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपये के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपये उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा, और 40% बिजली तैयार होगी। अब मारुति सुजुकी भी गाड़ियाँ ला रही है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी मैंने अपने यहाँ बंगलोर में कोयले से मिथेनॉल बनता है उसका ट्रक लॉन्च किया, अशोक लेलैंड का, वो 25 रुपये लीटर है, और बंगलोर में स्टेट ट्रांसपोर्ट की 20 बसेस डीजल में 15% मिथेनॉल कोयले से तैयार हुआ डालकर वो प्रोजेक्ट यशस्वी हुआ। अब मुंबई में, पुणे में मैं मिथेनॉल की बसें शुरू करने के लिए बात कर रहा हूँ, डबल डेकर बस, लग्जरी बस, ताकि टिकट रेट 30% कम हो जाए। मैं एक योजना तैयार कर रहा हूँ कि हमारी ST की बसें जो है, मैं बताता नहीं यहाँ के बारे में, पर देश में सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट की हालत ऐसी है कि हॉर्न छोड़कर सब बस में बसता है, पर अब देश की जनता एयर कंडीशन बस में घूमेगी, टिकट रेट 30% कम होगा और गरीबों को अच्छा ट्रांसपोर्ट मिलेगा, इसकी भी योजना हम कर रहे हैं, और प्रदूषण नहीं होगा। मैं इसलिए इस सब बातें आपको बता रहा हूँ कि ये छोटा सा ट्रांसप्लांटेशन का उदाहरण, ये सयाजी शिंदे जी ने काम किया, इन्होंने पूरा काम करने का ठेका नहीं लिया है, ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि ऐसे लाखों सयाजी शिंदे हमारे मेज से तैयार हो और वो सामने आकर ये काम करें। हमने बिटुमिन में 7% प्लास्टिक डालने की बात की है ताकि हम पर्यावरण की रक्षा करें। जो वेस्ट टायर है उनकी रबर की पाउडर निकालकर 15% बिटुमिन में डाल रहे हैं। हम करीब डांबर इंपोर्ट करते हैं करीब 30 लाख टन, अब उसके बजाय रबर पाउडर डाल के उसका उपयोग करेंगे। डांबर भी सस्ता होगा, 50 रुपये किलो डांबर है, 30 रुपये किलो रबर की पाउडर है, तो निश्चित रूप से 20 रुपये की बचत होगी और रास्ते की क्वालिटी भी सुधरेगी। कि जो कचरा है, हमने दिल्ली में जो रिंग रोड बना रहे हैं उसमें 25 लाख टन दिल्ली का कचरा हमने रोड में डाल दिया और दिल्ली को कचरा मुक्त करने का काम कर रहे हैं। हमने अहमदाबाद डोलेरो रास्ते में अहमदाबाद का 30 लाख टन कचरा रोड के अंदर डाल दिया ताकि हमारे पर्यावरण की रक्षा हो। अब मैं डीजल पेट्रोल को भी 5 साल में समाप्त करने का मैंने मिशन हाथ में लिया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर हमने लाई, इलेक्ट्रिक कार लाई, इलेक्ट्रिक बस लाई, अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ रहा है। जो राइस स्ट्रॉ है परली, कॉटन स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इससे अभी बिटुमिन बनाने का हमने एक प्रोजेक्ट फाइनली लाया है, जो CSIR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है कि जो परली जलाते हैं इससे बिटुमिन तैयार होगा
और किसान अब अन्नदाता से ऊर्जादाता बना है, अब बिटुमिन दाता बनेगा और वो बिटुमिन हम खरीदी करेंगे रोड के लिए और किसानों को गांव में रोजगार मिलेगा, लाखों किसानों को। मैं आग्रह से कह रहा हूं कि रोड के बाजू में बांबू लगाइए। कुछ जगह तो बांबू की ऐसी टनल, जो पेंडोल तैयार हुआ ऐसी टनल तैयार हुई है, और बांबू यह सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। रोड पर डीजल और पेट्रोल के कारण प्रदूषण होता है और अब प्रदूषण को बचाने के लिए हमको अब बांबू जैसे ट्री लगाएंगे तो हम बड़े प्रमाण पर रक्षा कर सकेंगे। और अब मैं एक अभियान चला रहा हूँ कि बांबू लगाइए अपने खेत में, और मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, गन्ने के भाव से हम बांबू को खरीदी करेंगे। और ये जो कोयला है 16 लाख करोड़ का हम इम्पोर्ट करते हैं, इसके बजाय हमारे थर्मल पावर प्लांट में हम बांबू यूज़ करेंगे। एक यूनिट के लिए फ्यूल कॉस्ट जो होती है वो 1.10 रुपये कोल की आती है, और गन्ने के भाव से अगर हमने बांबू खरीदे, हमने वैसे मशीन डेवलप किए हैं कि हम बांबू का 3 mm से 20 mm तक के टुकड़े तैयार करेंगे, 18 mm तक, और वो बॉयलर में डालेंगे तो हमारे देश को ये 16 लाख करोड़ का कोल इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमारे वेस्टलैंड पर हमारे दो खेतों के बीच में जो धुरा बोलते हैं उसके ऊपर बांबू के पेड़ लगेंगे, और 1 एकड़ में भीमा बांबू जैसे लगता है उसको 200 टन बांबू होता है। अभी पाशा पटेल के पास यहीं आपके मराठवाड़ा में उन्होंने करीब 50 लाख प्लांट तैयार करके रखे हैं, और वो किसानों को सुधीर मनगंटीवार जी ने, कल ही मेरी उनसे बात हुई, उनको मैंने 2 बातों के लिए आग्रह किया, उसकी योजना वो बना रहे हैं। एक कि बांबू के प्लांट जो है, बांबू की स्पेसीज जो अच्छी, वो हम उसके जो सैंपल्स है वो किसानों को कैसे दें, उसमें कैसा कंसेशन दें, और जो बांबू तैयार होगा उसको किस प्रकार से मशीन देकर गांव के युवकों को उसके टुकड़े करके हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ करें, ताकि ये कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनेगी और गांव के युवकों को इसमें रोजगार मिलेगा। हमने बांबू का वणी से वरोड़ा यहाँ क्रैश बैरियर तैयार किया है लोहे के बजाय, और अब मैं देश में उसका प्रचार कर रहा हूँ कि एक्सप्रेस हाईवे पर हमारे किसानों के बांबू का क्रैश बैरियर लगेगा। जो वेस्ट लैंड है उसके ऊपर हम बांबू के पर, यहाँ हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब बैठे हैं, फॉरेस्ट के अधिकारी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा झुड़पी जंगल वन जमीन जहाँ एक भी पेड़ नहीं है वहाँ बरसात में अगर बांबू के पेड़ लगाएंगे, और वहाँ बांबू अब ग्रास है और ग्रास काटने के लिए अब शासन की परमिशन नहीं लगती, इसके लिए सरकार ने वो जो बांबू को प्लांट करके कहा जाता था वो निकल गया है, और इसलिए ये बांबू की इकोनॉमी हमारे देश में विकसित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई कि राजामुंद्री में जो गांव गए थे हम, क्या कड़ियम, उस गांव में कम से कम 100-150 नर्सरी थी, और हम सब नर्सरी में जब गए तो ये जो हॉल जितना बड़ा है, इतना फूलों से मेरा एक चित्र एक जगह बनाया था, इतना वहाँ फूल फल और सब्जियाँ और एक प्रकार से पेड़ की इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी, जो 50,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर उस गाँव में होता है, इतनी अच्छी अच्छी नर्सरी है और दुनिया को पौधे वो एक्सपोर्ट करते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था तो एक तरफ जायकवाड़ी का पानी दिख रहा था और दूसरी तरफ दूर दूर तक हरियाली दिख रही थी। आज मैं खानपान पट्टा जो होता है, जो सॉल्ट जमीन है हमारी है जहाँ कोई पेड़ नहीं लगते, वहाँ सुबह एक प्रयोग के लिए गया था, और वो देखने के बाद दरियापुर अमरावती अकोला बुलढाणा जिले के वो 1,000 गाँव है, और वहाँ से आने के बाद आज जब मैंने देखा कि जायकवाड़ी के बाजू में इतना सुंदर ग्रीनरी मुझे दिखी तो मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। इससे हमारे पर्यावरण की रक्षा होने वाली है, और इसलिए मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अभी तक 3.5 करोड़ 3 मीटर के पेड़ को हमने प्लांटेशन किया है। और मैंने अभी जैन साहब को ये कहा है कि हर पीढ़ी जहाँ रहता है वहाँ 5 से 6 अच्छे नर्सरी तैयार करिए, एक प्रकार से जान है, जीवन है, वैसे पेड़ों को भी जीव है, और इसलिए उनकी हत्या करना है, इन्हें जीव की हत्या करना है, और इसलिए हमारे पर्यावरण के लिए केवल नहीं तो एक प्रकार से जगदीश चंद्र बोस जी ने जीव के रूप में हमारे पेड़ों को, वनस्पतियों को माना है, और उनकी रक्षा करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे खुशी है कि हमने इस साल करीब, अभी मुझे आंकड़ा बताया इन्होंने,
61,000 पेड़ हमने ट्रांसप्लांट किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि देश भर में अब यह मूवमेंट चल पड़ी है। अभी मुझे हमारे NHAI PWD के चीफ इंजीनियर शेलार, इन्होंने भी जानकारी दी कि वाटूर से चारठाना और परड़ी से गंगाखेड़ मार्ग पर उन्होंने करीब 19 पेड़ बढ़ के इसका ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल किया है और 100% पेड़ जिंदे हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ।